क्या सलमान खान की ब्लैक टाइगर से आई बुरी खबर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआर। दोस्तों, सलमान खान और उनकी फिल्मों का चुनाव बॉलीवुड के हर सुपरस्टार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सलमान खान ने अब तक दर्शकों को वही दिया है जो दर्शक उनसे चाहते थे। लेकिन अपने करियर के 33 सालों बाद सलमान खान ने अपनी पसंद की एक फिल्म चुनी, उनके करियर की पहली बायोपिक जो कि अब डिब्बा बंद हो चुकी है। जी हां, दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार था जब उन्होंने अनाउंस की थी ये रविंद्र कौशिक की बायोपिक होने वाली थी, और फैंस बहुत ज्यादा बेकरार थे। इसका नाम ब्लैक टाइगर रखा गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे नो वन किल जेसिका और रेड जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता। लेकिन अब ये फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है। राजकुमार गुप्ता के पास 5 सालों से इस फिल्म के राइट से, और इस फिल्म को लेकर सलमान भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन अब राजकुमार गुप्ता के पास से फिल्म को बनाने के अधिकार की अवधि खत्म हो चुकी है और वापस रविंद्र कौशिक के परिवार के पास जा चुकी है। वहीं सलमान खान भी अब इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा निश्चिंत है, वहीं अब वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसका कारण है टाइगर। आपको बता दें, सलमान खान की इस रविंद्र कौशिक बायोपिक को ब्लैक टाइगर नाम दिया गया। रविंद्र कौशिक भारत के सबसे अहम जासूस थे जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम किया था। उसी दौरान उन्हें सरकार ने ब्लैक टाइगर की उपाधि से नवाजा था। अब अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो टाइगर नाम सलमान खान पहले ही अपने टाइगर सीरीज को दे चुके हैं और उनका ये अवतार दर्शक पहले ही देख चुके हैं, दिलों में बसा हुआ है। सलमान खान इस समय अपनी यशराज फिल्म टाइगर 3 की ही तैयारियों में व्यस्त हैं। माना जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म के बाद एक बार फिर से जासूस की कहानी दर्शकों के सामने लाना ठीक नहीं लग रहा। उनके पास इस फिल्म में कुछ नया करने को बचा ही नहीं है, और जाहिर सी बात है यशराज फिल्म के स्तर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसीलिए सलमान खान ने ब्लैक टाइगर को करना उचित नहीं समझा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, सलमान खान ने एक दमदार जासूस बनने की शुरुआत की कबीर सिंह की यशराज फिल्म एक था टाइगर के साथ। शुरू में माना गया कि ये फिल्म ही रविंद्र कौशिक की कहानी है, लेकिन बाद में ये केवल एक काल्पनिक कहानी निकली। इससे पहले अर्जुन कपूर की राजकुमार गुप्ता फिल्म इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड को भी रविंद्र कौशिक की कहानी बताया जा रहा था, लेकिन ये भी महज अफवाह थी। और आखिरकार ये बायोपिक सलमान के से आई, लेकिन सलमान ने भी मना कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि सलमान खान ब्लैक टाइगर करें? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।